दोस्तों आज की जो ट्रिक है उसको यूज़ करने के बाद जो है आपके डिवाइस यूज़ करने का जो अंदाज है वो बदल जाएगा क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है और इस फीचर को आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं और ये फ़ीचर मुझे इतना कमाल का लगा कि इसे मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और आप भी इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं इजीली तो ये फ़ीचर आपको कैसे अपने अपने फ़ोन पर इनेबल करना है कैसे करना है सेटिंग्स कैसे करनी है पूरा मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो यहाँ पे मेरा पूरा देखते रहिए और दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस जो हैं अपलोड होती रहती हैं और दोस्तों मेरा एक और चैनल है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा सो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आर न्यूज़ टैग चैनल तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो so, दोस्तों आपने ये फीचर जो है अपने फ़ोन में इनेबल कैसे करना है ध्यान से देखना ठीक है, है सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे, दे दूंगा वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए अब हम जो है इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं दोस्तों बहुत ही कमाल की है आप जो है वीडियो को जरूर देखना बेशक आप इस ऐप को इंस्टॉल मत करना लेकिन जब इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद आपका मन करेगा कि वाओ इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं ठीक है तो इस एप्लीकेशन को आपने जस्ट ओपन करना है ओपन करने के बाद गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा अपने यहाँ पे क्लिक करना फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड तो मैं इसको राइट हैंड करूंगा अगर आप लेफ्ट हैंड से फोन यूज़ करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं मैं राइट हैंड से यूज करता हूँ तो मैं राइट हैंड पे करूँगा ठीक है उसके बाद आपने ड्रॉ टैप परमिशन मांगेगा आपने सभी परमिशन को यहां पे अलाउ कर देनी है ठीक है फिर उसके बाद वाला ऑप्शन आएगा यहां पे ओके दबाना है फिर आपने इंस्टॉल सर्विसेज पे जाना है इंस्टॉल्ड लॉन्चर को आपने यहां से इनेबल कर देना है कर दिया फिर आपने बैग आ जाना है फिर उसके बाद आपने यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह स्वाइप ऑप्शन आएगा आपने से स्वाइप करना है यहाँ से ठीक है फिर इसके ऊपर ड्रॉप कर देना है ठीक है ड्रॉप का ऑप्शन आएगा ड्रॉप हेयर ड्रॉप हेयर करने के बाद ये वेल्डन ठीक है हो गया फिर लैक्ट्स को ठीक है लेट्स को हो गया फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स का ऑप्शन मिलेगा आपने यहाँ पे शॉर्टकट्स पे जाना है तो ध्यान से देखना भी आपको इस तरह के शॉर्टकट्स मिलेंगे तो इन सभी शॉर्टकट्स पे आप कोई भी ऐप जो है चूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी फेवरेट ऐप्स होंगी आपने इन फोल्डर्स में आपने डाल देनी है मान लो मैं कैमरा है मेरा फिर उसके बाद आता है हमारा क्रोम ब्राउज़र उसके बाद कोई भी आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक फिफ्थ ऑप्शन पे आप यहाँ पे गैलरी अगर ओपन करना चाहते हो तो आप गैलरी भी यहाँ पे डाल सकते हैं इस तरह आप इन सभी बॉक्स को भर सकते हैं फिर उसके बाद आपने बैक आ जाना है बैक आने के बाद जब आप स्वाइप करेंगे स्वाइप करते ही आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा अगर आप चाहते हैं कि आप गैलरी ओपन करें तो गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी ठीक है ना है ना कमाल का फीचर अगर आप चाहते हैं कि मैं फेसबुक ओपन करूँ तो फेसबुक यहाँ पर ओपन हो जाएगी तो अगर आप चाहते हैं कि आप कैमरा ओपन करें तो आपका फटाफट यहाँ पर कैमरा भी ओपन हो जाएगा ठीक है है ना कमाल का मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा तो इसका यूज़ कब होता है जब आप फटाफट फड़ कोई चीज़ ओपन करना चाहते हैं आप स्वाइप करेंगे सीधा आप कैमरे पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा फटाफट ओपन हो जाएगा है ना कमाल का और ये शॉर्टकट्स काफ़ी बढ़िया लगा मुझे आप भी इसे अपने फ़ोन पे इनेबल कर सकते हैं आप यूज़ कीजिए काफ़ी कमाल का है अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं तो ये था आज का वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सो बाय बाय टेक केयर जय हिंद बंदे मातरम